कांडी से साकेत मिश्र की रिपोर्ट। जंजर कच्चे मकान के जीवित समाधि में बदलने की आशंका से आतंकित परिवार ने मांगा अपवास। एक बेहद गरीब व्यक्ति का जज्जर व बदहाल मकान कभी भी परिजनों के जीवित समाधि में बदल सकता है, क्योंकि एक कमरा का यह जज्जर मकान काल बनकर खड़ा है और इसी में रहना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा इनका कोई और ठिकाना नहीं है। ऐसी हालत भानु देवी पति सत्येंद्र शुक्ला की है, जो कांडी प्रखंड अंतर्गत शिवपुर पंचायत के मंडरा गाँव निवासी है। इस दंपत्ति के पुत्र दीपक शुक्ला ने गढ़वा जिला के उप विकास आयुक्त को आवेदन सौंपकर अपनी व्यथा बयान की है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कई आम सभाओं व सरकार आपके द्वार में आवेदन दिया है, सूची में नाम लिखवाया है, लेकिन कभी इनके आवास की स्वीकृति नहीं दी गई। इस वर्ष अबुआ आवास के लिए भी आवेदन दिया है, लेकिन उनकी माँ के नाम लिए अबुआ आवास की स्वीकृति नहीं दी गई। दीपक ने DDC से कहा है कि बरसात उन लोगों के लिए काल बन कर आएगा। भारी बरसात करने पर उनके परिजनों का असमय काल कवलित होना तय है। ऐसी विपदा को देखते हुए अबुआ आवास की स्वीकृति की गुहार लगाई है। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चीनिया रोड, नाहर चौक, कड़वा। यहां दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चे दानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।